वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव और डीजी शोभा अहुतकर के बीच चल रहे विवाद को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। डीजी शोभा अहुतकर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से आम लोगों में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। छोड़ाहे प्रखंड के अंबेडकर चौक पर दानिश आलम के नेतृत्व में लेट्स इंस्पायर बिहार छोड़ाहे के दर्जनों लोगों ने आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के समर्थन में नारेबाजी की और डीजी अहुतकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही साथ पुतला भी दहन किया गया। दानिश आलम ने बिहार की स्मिता को ठेस पहुंचाने वाली डीजी को अविलंब बर्खास्त करने की मांग भी की और उन्होंने कहा कि एक अच्छे आईपीएस अधिकारी की बेइज्जती बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो आप लोग पुतला दहन किए हैं, किस लिए पुतला दहन किया गया आप लोग के द्वारा? ये पुतला दहन जो हमारे बिहार राज्य की डीजी शोभा अहुतकर है, उनके द्वारा हम बिहारियों को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, वो विकास वैभव सर को प्रताड़ित नहीं किए, पूरे बिहारियों के सम्मान पे, पूरे बिहारी के अस्मिता पे उन्होंने एक तरह से प्रहार किया है, जिसको लेकर हम लोग आज विरोध मार्च, हम सारे युवा साथी, हमारे गार्जियन अंबेडकर चौक पर डीजी शोभा अहुतकर का पुतला दहन करके उनका विरोध किए हैं। और हम लोगों का, सभी लोगों का मान है, क्योंकि दिक्कत डीजी शोभा अहुतकर को विकास वैभव सर से इसलिए है क्योंकि विकास वैभव सर हमेशा छुट्टी के दिनों में अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक निभाते हुए भी बिहार के युवाओं को एक सही रास्ता, एक सही दिशा देने के लिए जो मुहिम पूरे बिहार में चला रहे हैं और लोग, खास करके हमारे युवा पीढ़ी के नौजवान उससे प्रेरित हो रहे हैं, जिसका नाम लेट्स इंस्पायर बिहार है, आओ मिलकर बिहार को प्रेरित करें, इसी को लेकर उन्हें, हमको कहीं लगता है कि उनको ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि ये छुट्टी के समय में जब सारे पदाधिकारी अफसर अपने परिवार और अपने बीवी बाल बच्चों के साथ अपना छुट्टी व्यतीत करते हैं, उन समय में ये बिहारियों के अस्मिता के लिए पूरे बिहार में घूमकर लेट्स इंस्पायर बिहार को चलाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका तकलीफ उनको है। और मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि यूं तो हमेशा हमारे बिहारियों को दूसरे प्रदेश में प्रताड़ित किया जाता था, आज हमारे धरती पे इस दिनकर के धरती के लाल को बिहारी कह के प्रताड़ित किया गया, उनके माँ और उनके पत्नी को लेकर गाली दिया गया, ये हम बिहारी कभी नहीं सहेंगे। और मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि जो डीजी है हमारे बिहार की शोभा अहुतकर, उनको जल्द से जल्द पद से बर्खास्त करें, नहीं तो हम युवा उग्र होंगे तो इससे बड़ी आंदोलन होगी और पूरे बिहार में इस आंदोलन का प्रारूप तैयार होगा। ये अभी छोटी छोटी इकाई, ये छौड़ाही इकाई के द्वारा जो लेट्स इंस्पायर बिहार के हमारे सदस्य थे, उनके द्वारा यह पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। अगर इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो आगे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और हम लोग आंदोलन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दानिश आलम, लेट्स इंस्पायर बिहार छौड़ाही इकाई से सदस्य।